भाग 15। पेड़ हमारे सच्चे साथी। पेड़ इस धरती की शोभा है, जीवन है और जीव जंतुओं के जीवन का आधार है। वे हमें क्या क्या देते हैं, यही इस पाठ में बताया गया है। जहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधों की भरमार होती है, उन स्थानों को वन कहते हैं। वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। उनसे हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे फल फूल, इमारती लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, गोंद, जड़ी बूटियां आदि। लकड़ी से घरों के दरवाजे, मेज कुर्सियां, सोफे आदि बनाए जाते हैं। गर्मी के दिनों में पेड़ों की ठंडी छाया बहुत अच्छी लगती है। उन पर बहुत से पक्षी घोंसले बनाकर रहते हैं। बंदर जैसे जानवर भी पेड़ों पर ही निवास करते हैं। वनों में बहुत से जानवर रहते हैं, जैसे हिरन, हाथी, शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़, भालू, खरगोश, अजगर, सांप आदि। इन्हें जंगली जानवर कहते हैं। पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। उनकी हरी पत्तियां हवा में मिली विषैली गैसों को हटाकर उसे साफ करती हैं। इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ बनता है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की स्वच्छता आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। उनकी हरी पत्तियां बादलों को अपनी ओर खींचती हैं। आपने सुना होगा कि पहाड़ों पर खूब वर्षा होती है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रहती हैं, जिससे मिट्टी पानी के साथ नहीं बहती। इस तरह पेड़ पौधे हमारी उस कीमती मिट्टी की रक्षा करते हैं, जिसमें सारी फसलें पैदा होती हैं। अगर यह मिट्टी बह जाए तो फिर वहां फसलें पैदा नहीं होंगी। वन आंधी तूफान और बाढ़ की गति को भी कम कर देते हैं, जिससे ये अधिक हानि नहीं पहुंचाते। पेड़ पौधों की पत्तियां नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाती हैं, फिर वे खाद के रूप में गल जाती हैं। वे मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाती हैं। ऐसी मिट्टी में बहुत अच्छी फसलें पैदा होती हैं। इन बातों से पता चलता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। पहले हमारे देश में बहुत वन थे, लेकिन जब आबादी बढ़ी तो लोगों ने अपने मकान बनाने के लिए वन काटने शुरू कर दिए। वन लगातार कटते जा रहे हैं। अब हमारे देश में बहुत कम वन रह गए हैं। अब यह डर है कि कहीं एक दिन सारे वन ही समाप्त ना हो जाएं। सरकार और जनता ने इस बात को समझा है। अब सरकार ने हरे पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। साथ ही खाली पड़ी हुई जमीन पर नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। पेड़ लगाने के काम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे वन महोत्सव कहते हैं। यह कार्यक्रम बरसात के मौसम में चलाया जाता है। पुरानी कहावत है कि पेड़ से जल है और जल से जीवन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरण में सुधार के लिए देश की एक तिहाई भूमि पर